जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल फिट होंगे। चलिए, एक भाई के कमेंट्स आया था, देखते हैं। एक भाई के कमेंट्स आया था कि भैया आप वीडियो नहीं बना रहे हैं। देखिए, थोड़े से टाइम के व्यस्तता होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था ना, टाइम का प्रॉब्लम था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था ना, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा माइंड फ्री चाहिए ना, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था ना, इसके लिए सॉरी भाई साहब। एक भाई के कमेंट्स आया था कि क्या रेलवे ग्रुप डी का जॉब छोड़ कर ना BSPCL में आना चाहिए। नहीं, मेरे दोस्त, नहीं आना चाहिए। देखिए, जो भी कैंडिडेट जहाँ भी जॉब करना चाहे, कोई सा डिपार्टमेंट हो ना, वहाँ पर जॉब बिल्कुल करते रहिए ना। देखिए, सब जॉब अपने अपने जगह पर है ना, सभी जॉब अच्छा होता है। हाँ, देखिए, अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो फिर वो जॉब में ज्वाइनिंग कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान के चलिए आपने ग्रुप डी का ज्वाइनिंग कर रखा है ना 10th बेस पे, अगर कोई उससे अच्छी जॉब हो ग्रेजुएशन बेस पे या 10+2 बेस पे, अगर कोई अच्छी जॉब हो, अगर वो जॉब आपका मिल गई, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो उसमें आप एक्सचेंज कर सकते हो, यानी एक जगह से दूसरे जॉब में जा सकते हो। आप चाहे कि एक जॉब छोड़ दे फिर उसके बाद जॉब ढूंढे ना, तो वो ठीक नहीं है। एक चीज़ और आ गया, देखिए, किसी भी जॉब हो तो उससे एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकते, क्योंकि सब जॉब अपने अपने जगह पे ठीक होता है ना। किसी आदमी को तो कोई भी जॉब नहीं मिलता भाई साहब। आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब चाहे कोई सा मिल जाए ना, उसमें बिल्कुल आँख बंद करके आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए ना, क्योंकि आज के डेट में इतना बेरोजगारी ज़्यादा है ना, वो भी अपने बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं है ना, ना कोई कंपनी है, इंडस्ट्रियल कुछ भी नहीं है ना। अगर बिहार से अगर आप कितना भी पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं ना, तो जॉब के लिए आपको अदर स्टेट जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कमाने कोई रोजगार नहीं है, क्या कर सकते हैं ना, ना कोई साधन वहाँ पर कमाने के लिए है ना। तो अपना स्टेट ऐसा है कि वहाँ पर है ना साधन का प्रॉब्लम है। तो मैं तो यही बोलूँगा, चाहे कोई सा भी जॉब हो, अगर जॉब मिल रही है ना, तो बिल्कुल आप लोग जॉब के लिए तैयारी कीजिए, जॉब मिल जाए तो उसमें ज्वाइनिंग कर लीजिए ना। हाँ, एक चीज़ और है, जो भाई के पास अगर कोई फैसिलिटी है, जैसे बिजनेस का कोई ऑप्शन है ना, तो सबसे बेस्ट अपना बिजनेस होता है, चाहे कोई सा बिजनेस हो है ना। बिजनेस में ये होता है कि जैसे अगर हम कोई सा बिजनेस कर रहे हैं ना, तो अगर आपने उसमें कोई टाइम गंवाया, जैसे मान चले समय आपने गंवा दिया, तो वो समय बच्चे के लिए फ़ायदा करेगा, क्योंकि बच्चे को आपका ना वो आगे उसको फ़ायदा देगा, क्योंकि उसको स्टार्टिंग जीरो से स्टार्टिंग नहीं करना होगा। क्योंकि नौकरी ये होता है कि मान के चलो हमने आज गवर्नमेंट जॉब कर लिया, जब तक तो हमने नौकरी कर तब तक ठीक है, लेकिन जब बच्चा होगा ना, तो फिर उसका करियर जीरो से स्टार्ट होगा। लेकिन बिजनेस में ये नहीं होता, बिजनेस में ये होता है कि अगर हमने बिजनेस किया, तो जिस मुकाम पर हमारा बिजनेस पहुँचा है ना, बच्चे होगा तो फिर वहीं से वो स्टार्ट कर देगा ना। तो सबसे बेटर बिजनेस ही होता है। अगर बिजनेस कोई आदमी करे, अगर पैसे हैं, फैसिलिटी है ना, सक्षम है, तो नौकरी में कोई कुछ भी नहीं रखा हुआ है, 40-45-50 हज़ार क्या रखा हुआ है, कुछ भी, महंगाई इतना ना हो गया ना, तो उसमें कुछ भी रखा नहीं है, नौकरी से कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। मैं तो खुद सोच रहा हूँ, कम से कम 2-3 साल से